नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कर्नाटक में कोविड 19 महामारी के कारण हालत काफी खराब है। यहां से भी ऑक्सीजन की किल्लत के कारण मौतों की खबर सामने आ रही है। सोमवार को चामराजनगर जिला अस्पताल में 24 मरीज की मौत हो गई। ये जानकारी जिला प्रभारी सुरेश कुमार ने दी है। उन्होंने बताया चामराजनगर जिला अस्पताल में पिछले 24 घंटे में ऑक्सीजन की कमी और अन्य कारणों से 24 मरीज की मौत हो गई। इनमें कोरोना के मरीज भी थे। हम डेथ ऑडिट रिपोर्ट का इंतजार भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो सामने आई है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने चामराजनगर जिला कलेक्टर से इस मामले पर बात की और मंगलवार को इमरजेंसी कैबिनेट कर बैठक बुलाई है। महामारी की दूसरी लहर के कारण कर्नाटक में रविवार तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 16 लाख के पार चला गया। एक दिन में यहां 37,733 संक्रमण के नए मामले सामने आए। इसके बाद राज्य में कुल संक्रमित का आंकड़ा 16,01,865 हो गया, जिसमें 4,21,436 सक्रिय मामले और 11,64,398 लोग कोरोना का मात दे चुके हैं। बीते 24 घंटे में अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले का आंकड़ा 21,149 है। संक्रमण के बाद बेंगलुरु में शनिवार को 26,199 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।